न्यूट्रिशन का हम टॉपिक पढ़े थे और अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ रिलेशनशिप्स की बात की थी और हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, जैसे कि उन रिलेशनशिप्स के अंदर हमने प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की बात की थी, इसके अलावा हमने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स की बात की थी, इनको साथ साथ मेंशन भी करते जाते हैं हम। हमने बात की थी प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, इसके अलावा हमने डिफरेंट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स के अंदर म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म की बात की थी, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म, ठीक है। तो ये कुछ किस्म के रिलेशंस हैं जो कि पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इसी तरह का एक रिलेशन है जिसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसको हमने पैरासिटिक रिलेशन, ठीक है, इसे हम ऑलरेडी देख भी चुके थे थोड़ा सा। आज के टॉपिक के अंदर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होता है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली किसे है कहते हैं। तो ये पैरासिटिक रिलेशन, पैरासाइट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहता है या उनके अंदर रहता है और उनसे अपनी फूड लेता है, ठीक है। दो बातें होगी, एक कि वो इट लिव ऑन या फिर इन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर उनके अंदर रहता है। सेकंड ये कि वो उनसे अपनी फूड लेता है, ठीक है। तो अपनी फूड के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो हमने ऑन और इन की बात की है, इसमें क्या इसका क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर यानी कि उसके बॉडी के बाहर की साइड पर रहेगा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि अपॉन होस्ट, होस्ट के ऊपर रहेगा, उसे हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, ठीक है, विद इन होस्ट, तो उसको हम कहेंगे वो है एंडोपैरासाइट। अच्छा, ये जो हम होस्ट की बात करें, होस्ट क्या है, होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर या जिसके अंदर पैरासाइट रहता है या जिसको नुकसान पहुंचाकर वो अपनी फूड या शेल्टर या कोई ना कोई फ़ायदा ले रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म है होस्ट। अच्छा, एक तो पैरासाइट्स की हमने ये टाइप्स पढ़ ली, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। इसके अलावा पैरासाइट्स की दो और टाइप्स होती हैं और वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ दैट दे लीव, किस तरह की लाइफ वो या किस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते हैं उसके बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कहते हैं ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि पूरी की पूरी ज़िंदगी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर गुजार देते हैं वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और हमने क्या बताया कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ, दे लिव ऑल देयर लाइफ इन देयर होस्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स के अंदर वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, या प्लाज्मोडियम हो गया, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए अपने होस्ट के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है इनकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास वो कहलाती है, एक हमने पढ़ ली ऑब्लिगेट, और दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली भी लिव कर सकते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली भी आज़ादी से भी गुजार सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर, इसकी एग्जांपल के अंदर हम देखें तो कैंडिडा एक फंगस है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, बट वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट को। अब जहाँ हम बात कर रहे थे एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की, इनको भी वन बाय वन हम देखते जाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और एंडोपैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टोपैरासाइट्स को, एक्टोपैरासाइट्स। अच्छा, एक्टोपैरासाइट्स के बारे में हमने आपको बताया कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, यानी कि उनके बॉडी के बाहर की साइड पर रहेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल अगर आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है। अगर हम देखें फ्ली को या लाइस, टिक्स और माइट्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। इनकी हम पिक्चर्स भी देख लेते हैं,
अच्छा, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे हैं. ये क्या है? ये फ्ली है. इसी तरह ये क्या है? ये टिक है. ये हमारे पास लाइस है और ये माइट है. ठीक है. और इन तमाम छोटे छोटे कीड़ों को आप देखते भी हैं कि ये बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं. ठीक है. लाइस की अगर हम बात करें, ये आपको आपने कॉमनली देखा होगा या आपने टिक को देखा होगा. ये क्या होते हैं कि बॉडी के ऊपर रहते हैं. ये एनिमल्स के जो फर है उसके ऊपर रहेंगे, मैमल्स के बेसिकली, या फीदर्स हैं, पर हैं, उनके ऊपर रहेंगे, या उनके जो बाल हैं, हेयर हैं, तो उनके ऊपर आपको नज़र आएंगे. टिक होंगे, लाइस है, या ये माइट हो गया. ठीक है. तो ये ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बाहर के साइड पर, उनके बॉडी के ऊपर रहते हैं. अच्छा, ऊपर रहते तो हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? ये अपने, ये क्यों रहते हैं? ये इसलिए रहते हैं बिकॉज इनकी ज़रूरत है. ये ब्लड सक करते हैं. ये जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं, ये उसके अंदर से ब्लड को सक करते हैं. इसको मेंशन भी कर देते हैं कि दे सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट. ठीक है. इसकी एक और एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास एफिड्स आ जाते हैं. एफिड्स इसकी एग्जाम्पल हैं. और एफिड्स क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर से उनके जो फ्लोएम है उसके अंदर से जूसेस को सक करते रहते हैं. इसी तरह एनिमल्स के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म हमारे पास होती है लीच की. लीच भी क्या करते हैं कि एनिमल्स के ऊपर, इवन ह्यूमन बींग्स को भी अटैक करता है लीच. और क्या करते हैं कि इन बॉडी के ऊपर होता है. ठीक है. और काम इसका भी यही है कि वो ब्लड को सक करता है. तो ये हमने देखिए डिफरेंट एक्टोपैरासाइट्स. इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी के ऊपर, और वो ये हमने देखे एक्टो, और उसके बाद हम आ जाएंगे एंडोपैरासाइट्स के ऊपर. एंडोपैरासाइट्स, अब जैसे कि नाम से भी जाहिर है, एंडो इसका मतलब है कि अंदर की साइड पे. ठीक है. तो ये वो पैरासाइट्स हैं जो कि अपने होस्ट के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. और बॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो करेंगे क्या? वहाँ से भी ये या तो शेल्टर के लिए रह रहे होंगे, शेल्टर, या फिर फूड के लिए. ठीक है. तो ये दो रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पैरासाइट्स की होती हैं, और जो होस्ट से इन दो रिक्वायरमेंट्स के लिए उनके साथ रहते हैं. अच्छा, अब एंडोपैरासाइट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की जब हम देखते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट तरह के एंडोपैरासाइट्स पाए जाते हैं. इंटेस्टाइन और डिफरेंट लार्ज एनिमल्स हैं, उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर भी एंडोपैरासाइट्स पाए जाते हैं. और ये क्या करते हैं कि जितना भी डाइजेस्टिव फूड होता है हमारा, डाइजेस्टिव फूड को फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं. और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है? हम जानते हैं कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है. तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंडोपैरासाइट्स भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े. और ये करेंगे क्या कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो हमारी डाइजेस्टेड फूड होती है, ये इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं. ठीक है. यानी कि इसको बनी बनाई फूड मिल जाती है, इसको कोई उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता, या खुद से उसको इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना या नोट करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, तो होता ये है कि अंदर रहने के साथ साथ ये वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ भी कॉज करते हैं. वो डिजीज़ क्यों होती हैं? बिकॉज जब ये डाइजेस्टेड फूड ले रहे हैं, तो इनके अपने बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे मटीरियल्स या कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी या डिफरेंट एनिमल्स की बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होते हैं. यही वजह है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की. एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, यह ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, और इससे क्या होता है कि हमें डायसेंट्री हो जाती है, जिसको हम एमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं. इसके अलावा, ये तो एक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हो गया, इसके अलावा हमारे पास टेप वर्म है, या फिर राउंड वर्म है, पेट के कीड़े भी जिनको हम बोलते हैं. ठीक है. राउंड वर्म्स को छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये पाए जाते हैं, राउंड वर्म्स. तो ये जो है, ये भी पैरासाइट्स हैं. और ये बॉडी के अंदर जाते कहाँ से? गंदे पानी के थ्रू चले जाएंगे, मिट्टी में, अगर जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनके नेल्स के थ्रू ये जा सकते हैं. ठीक है. और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं. इनके, ये हम इनके लिए कहा जाता है कि इनके जो होस्ट होते हैं, इन पैरासाइट्स के जो होस्ट हैं, वो वीक हो जाते हैं. होस्ट में भी वीक हो जाएंगे, और उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. नॉर्मल मेटाबॉलिज्म वो भी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पाए जाएंगे. ठीक है. तो ये हमने देख लिया पैरासिटिज्म को, या पैरासिटिक न्यूट्रिशन को, या पैरासिटिक रिलेशनशिप को,
एनिमल्स के अंदर, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। हमने देखा कि पैरासिटिक रिलेशन किस तरह का होता है, पैरासाइट किसे कहते हैं, और फिर हमने होस्ट की बात की कि होस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हमने इसकी डिफरेंट दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करके पढ़ा। हमने कहा एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर रहते हैं, एंडोपैरासाइट वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर रहते हैं। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात हमने की, और हमने कहा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो हैं जो कि जिनको हमेशा हर तरह की रिक्वायरमेंट, हर तरह के हालात में अपने होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो फैकल्टेटिव पैरासाइट वो हैं जो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वो अपने होस्ट में गुजारते हैं, कुछ वो इंडिपेंडेंटली बाहर भी रह लेते हैं। और फिर हमने एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट की कुछ एग्जांपल को देखा। यहाँ पे हमने बात की थी फ्ली की, टिक की, लाइस की और माइट की। इसके बाद जब हमने एंडोपैरासाइट को देखा तो इसके अंदर हमने बात की एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका की, राउंड और टेप वॉर्म की, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म की हम एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास है राउंड वॉर्म और एक है हमारे पास टेप वॉर्म। अगर आप इसकी शक्ल को देखें तो आप इसको इसलिए बता सकते हैं, ये आपको राउंड फॉर्म में नज़र आ रहा है तो ये है राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, और ये है हमारे पास टेप वॉर्म, और ये दोनों ही एंडोपैरासाइट्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।